वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं अभी देख रहा था भाई व्हाट्सएप के ऊपर काले किए जा रहे हैं और मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर भी काले किए जा रहे हैं और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी छोड़े जा रहे हैं। ई नंबर के मतलब आपको थोड़ी मैं गाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको सबूत प्रूफ में साथ में दिखा दूंगा। तमाम बंदों को जिनकी मैं कॉलें अटेंड नहीं कर रहा या व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है जी कि वालदा की तबीयत कुछ नसाज है और आज तो दूसरा दिन है हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बस इसीलिए किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा मैं, तो इसके लिए माजरत ख्वाऊँ। बाकी वीडियो देख लें, वीडियो में मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ न्यूज़ शेयर कर दूंगा जी। ई नंबर के मामला जो चल रहे हैं, वीज़े का वकाला बोल रहे हैं, ई नंबर बोल रहे हैं, वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रहा है, इसके मतलब मैं पहले काफ़ी वीडियो लगा चुका हूँ। आप भाइयों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में व्हाट्सअप नंबर भी देता रहता हूँ, आप भाई व्हाट्सअप के ऊपर भी रब्ता करके इसके मतलब इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, और बहुत से भाई तो मुझे ये बोलते हैं यार तू झूठ बोल रहा है, ये लग नहीं रहे। देखिए आप मुझे सच बता दें, आप ही बता दें कि मिसाल के तौर पर वीडियो इसी से शुरू कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप ही मुझे सच बता दें कि ऐसा सबूत प्रूफ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दीजिएगा जहां से ये चीज़ क्लियर आपको दिखाई दे रही हो, लिखा हो, वो कन्फर्म वेबसाइट हो सऊदी अरेबिया की, वजारत खारजा की हो, जवाजात की हो, वजारत दाखिलिया की हो, या मकतब अमल हो, या पाकिस्तानी एम्बेसी हो, या सऊदी एम्बेसी इन पाकिस्तान हो, वहाँ से कुछ कहीं से आपने पढ़ लिया हो कि भाई हाँ जी साई खास आमल मंजिली वगैरह के या कुछ और महीना के वीज़े बंद हो गए हैं, या इनके ई नंबर बंद हो गए हैं, या ये निकलेंगे ही नहीं, या ये फलां डेट को निकलेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ भाई आपने देखी है तो मुझे दिखा दीजिए। भाई मुझसे सबूत मांगते हैं कि भाई आप सबूत दिखा दें, मैं आपको यहाँ पर एक सबूत भी साथ में आज दिखा दूंगा, आप खुद भी देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी कन्फर्म वेबसाइट हो, कन्फर्म जराए से हमें पता चले, मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये भी जिक्र कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया का कोई भी ऐसा कन्फर्म अदारा हो जहां से हमें भाई ये कन्फर्म रिपोर्ट मिल जाए, फिर तो ये मसला ही क्लियर हो जाए यार। ना रोज रोज आपको मेरी वीडियो देखनी पड़े, ना रोज रोज आपको एजेंटों को फोन करना पड़े, क्योंकि फिर तो ये मसला क्लियर हो जाएगा ना कि हाँ फलां डेट को यार ओपन हो जाएंगे या फलां हफ्ते में ये ओपन हो जाएंगे, बस ये कन्फर्म हो गया, हम भी आपको कन्फर्म कर देंगे। देखें यहाँ किसी भी अदारे की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, ना सऊदी अरेबिया ना पाकिस्तान की तरफ से कन्फर्म कुछ बताया नहीं जा रहा है इसके मतलब। आपको पता है 10 से 12 नए महीने मुतारफ करवा दिए गए घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरेबिया ने। इस चीज़ को देखते हुए तमाम बड़े से बड़े यूट्यूबर्स ने, मैं तो चलो एक छोटा सा आपके साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तमाम बड़े यूट्यूबर्स ने भी आपने उनकी भी वीडियो देखी होगी, उन्होंने भी यही बताया जी कि इसी वजह से ई नंबर रुके हुए थे जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू भी हुए, मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ जी कैसे। आपको एक तो मैं मैसेज साथ में एक दो सुना देता हूँ, सुन लें भाई बोल क्या रहे हैं, आप जैसे ही भाई हैं जो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर ये मैसेज करते हैं, उसके बाद आपको साथ में मैं दिखा भी दूंगा जो भाई ने मुझे सेंड किया साई खास के मामला को लेकर। बोलते हैं जी कुछ सबूत प्रूफ दिखा दे, मेरा एजेंट बोल रहा है कि मुझे दिखा दे। देखिए अगर आपका एजेंट आपको बोल रहा है तो वो देखिए एजेंट किसी हद तक सच बोलता होगा, उनके ई नंबर नहीं निकलते होंगे। अभी एजेंटों के क्या मामला हैं वो भी आप इसी मैसेज में सुन लें। एक तो ये मैसेज है जी, ठीक है, एक तो ये मैसेज है, एक ये मैसेज सुन ले जो आज भाई ने मुझे किया है। अस्सलाम वालेकुम, और भाई एक चीज़ ना मैंने कन्फर्म करनी थी, मैंने दूसरी एजेंसी वाले से पूछा है, वो कह रहा है कि निकल रहे हैं ई नंबर, तो हमने उसे कहा कि मैं आपको वीज़ा सेंड करता हूँ तो चेक कीजिएगा ई नंबर निकाल देंगे आप, तो कह रहे पहले हमारी एजेंसी में मसलन वीज़ा इशू करवाओ, वहाँ से कैंसिल करवा के यहाँ पर इशू करवाओ, तभी मैं चेक कर सकता हूँ। ऐसा कोई है मसलन के सिस्टम कि वीज़ा? ठीक है जी, मैंने इनको जो भी गाइड करना था किया, आगे से मैसेज कर अप्लाई इनको किया। अभी वो बोल क्या रहे थे, एक चीज़ मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ सबूत प्रूफ के तौर पर, ये मेरे पास ओपन है जी, अभी ई नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में, आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। अच्छा ये भाई बोल रहे थे, पहला बोल रहा था साइका साहब आमल मंजरी के ई नंबर निकल रहे हैं जी, मुझे एजेंसी से पता चल चुका है। दूसरा भाई क्या बोल रहा था कि भाई एक एजेंसी वाले से मेरा रब्ता हुआ, मुझे बोल रहा है जी कि ई नंबर निकल रहे हैं हमारी एजेंसी से, हम निकाल रहे हैं, आपने कहीं और एजेंट के पास वीज़ा दिया हुआ है, वहाँ से कैंसिल करवा कर हमारे पास इशू करवाएं, हम भी आपका पता करवा के आपको दे देते हैं। ये कन्फर्म बात है, आपने किसी एक एजेंट को वीज़ा दिया हुआ तो वही एजेंट आपका काम करेगा ना, दूसरा एजेंट आपके वीज़े के ऊपर कैसे काम कर सकता है जब तक कि आप उसको अपना वीज़े का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से
कैंसिल करवा के उसके पास इशू नहीं करवाते हैं। सऊदी अरब से जो भाई वीज़ा सेंड करते हैं वो भी उसी बंदे के नाम के तौर पर वकाला बनाकर सेंड किया जाता है। अच्छा बात ये है जी, ये तो हो गया आप भाइयों के मैसेज जो मैंने आपको सुना दिए। अभी जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें भाई की पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा, जाहिर सी बात है हर बंदे की पर्सनल भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं जो नज़र डालूंगा वो क्या है जी, और कराची ठीक है जी, सऊदी एम्बेसी ऑफ कराची एंड वीज़ा टाइप वर्क नंबर ऑफ एंट्री सिंगल ऑफ द डे सॉरी सिंगल 90 डेज एंड स्पोर्ट नेम है जी हसन अब्दुल्ला मोहम्मद अल असानी, यानी कि ये इनका कफील है, और नीचे इनका बकायदा भाई का नाम लिखा हुआ है और नीचे महना लिखा हुआ है, महना कौन सा है जी, साइक खास ठीक है जी, साइक खास का महना लिखा हुआ है नीचे देख लें आप, ये साइक खास का ई नंबर है जी जो निकला है ठीक है जी। अभी ये भाई का साइक खास का ई नंबर निकला है, बकायदा लिखा हुआ है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि साहे खास अमल मंजिली या किसी भी महीने के अगर ईमन ई नंबर निकल रहे हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहे हैं, कुछ के नहीं निकल रहे हैं, मुझे भी पता है, मैं नहीं ये बोलता सबके निकल रहे हैं, कुछ के वीजा स्टैंप भी हो रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, सफर ज्यादातर वो बंदे कर रहे हैं जिनके बड़े महीने हैं ठीक है, अमल साहिक शाहना साहिक अमोमी ये वाले जो भाई ऐसे हैं ना, यानी कि साहे खास अमल मंजिली छोटे महीने वाले या आंबला मंजिली वाले, इनके ई नंबर का इशू चल रहा है, जिनके ई नंबर निकल रहे हैं उनके भी वीजे अम्बेसी में जा रहे हैं वीजा स्टैंप होने के लिए, अभी तक स्टैंप होकर नहीं आ रहे हैं। मेरे मुताबिक जो मैं लास्ट में आपको ये बात करता चलूँ वो ये है भाई कि मेरे मुताबिक ये जो नए महीने मुतारफ करवाए गए ना इन्हीं को लेकर ये इशू बना हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में ये मसला क्लियर हो जाएगा।